दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। मैं क्या करूं, क्या बोला कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना जिससे मैं इस 81 को डिवाइड करूं जो ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो पहले तो हमें 81 के क्या निकालने, फैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, तो 81 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, 3 से जाएगा 327, 3 9, 3 3 3 1 3। देखो 3 × 3 × 3 × 3। अब अगर आपने 3 × 3 कर दिया तो देखो एक तो हमारे पेयरिंग बन गए, क्यूब रूट में कितने की पेयर बनती, 3 की पेयर बनती। ठीक है, तो एक पेयर तो हमारा बन गया। अब हमारे इसमें तो एक ही बन रहा, देखो 3 × 3 = 27 आ रहा, ठीक है 9 आ रहा, फिर 3 और यह। अब हमें कितने से इसको मल्टीप्लाई करना, मुझे कितने चाहिए, मुझे कितने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हाँ डिवाइड करना, कितना ये 1 बच रहा ना, तो मुझे इस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी डिवाइड क्या हमने किससे 3 करना है, डिवाइड 81 इज डिवाइडेड बाय 3, बाय 3 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 81 को कितने से करना पड़ेगा, 3 से। ओके, अब हमें 128, चलो वहाँ निकाल दो, 128 को निकालें, फैक्टर निकालेंगे 2 6 4, फिर 2 3 2, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4 2 2 और 2 1 2। देखो कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये नहीं है। ठीक है, मुझे कितने की पेयरिंग करनी, 3 3 की, भाई 2 पेयरिंग तो पूरी पूरी हो रही, एक सिंगल 2 बच रहा। इट मीन्स क्या है, 28 को किससे डिवाइड होगा, 28 इज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो सिंगल बच रहा, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 2 से। ओके, ऐसे हमारे पास कितना, 135। तो 135 देखो आप 3 से जाएगा, 3 4 12, 1 3 5 15, फिर 3 से 3 1 3, 1 यहाँ जा रहा, 3 5 15, फिर 3 5 और 5 1 5। तो देखो 3 × 3 × 3 × 5, तो ये तो पेयरिंग होती 3 की, क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग होती, सिंगल क्या बच रहा, 5, तो किससे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 5, 135 डिवाइडेड बाई 5, तो सिंपल है। ऐसे वहाँ 192 है, तो 192 देखो 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 4 8 3, ठीक है 43, एक बार 2 9 18 होगा, सॉरी यहाँ 2 9 18 और सो अब 2 4 8, 1 यहाँ, 2 8 16, फिर 2 से 2 2 4, यहाँ 2 9 2 2 4 और 2 9 18, 192 है, 2 9 18, 1 बचा 2 6 12, 2 4 8, 1 बचा 2 8 16, ओके 48 और ये 24 आ जाएगा, फिर 2 12, 2 6 2 3 और 3 1 3, कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 बार 2 कितने बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो यहाँ तो 2 की तो पेयरिंग बन रही 3 से, तो किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, ऐसे हमारे पास कितना 704 है, भाई 2 से डिवाइड होगा, 2 2 3 6, 1 2 5 10, 2 फिर 2 से हो रहा, 2 1 2, 1 यहाँ जा रहा, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से 44, अब यहाँ 44 में यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 2 से होगा 22, हाँ 44 और यहाँ अब 2 से होगा 2 3 6, 1 यहाँ 2 5 10, 2 2 4, ओके फिर 2 1 2, 1 यहाँ 7 14, 2 6 12 और 2 8 16, यहाँ पे 2 8 16 और यहाँ 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 24, फिर 2 11, कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, तो हमारा 704 कितना, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और एक बार क्या, 11 है, तो ये इसकी तो पेयरिंग बन रही, तो किससे डिवाइड हो गई है, 11 से होगा।